किंतु वो कौन हो सकता है जो हमारे शत्रु की सहायता कर रहा है पिशाचों का साथ देकर? किंतु राम और हनुमान को तो मैं स्वयं सुला कर गई थी यहां से। अवश्य ही मेरे जाने के बाद कोई यहां आया होगा और उसी ने ये दुष्कृत्य किया है। इनके दुस्साहस कौन कर सकता है? जिसने भी ये किया तो मृत्यु दंड का पात्र। जिसने हमारे युवराज के प्राण संकट में डाले। आश्चर्य है, एक छोटे से वानर बालक ने तुम पिशाचों की यह दुर्दशा कर डाली, वो भी बिना किसी रक्षा सूत्र के। और ऐसे शक्तिशाली वानर के बारे में ना तो लंकेश ने मुझे बताया, ना मंत्रा ने, ना युद्धजीत ने। वो वानर है तो छोटा बालक ही, किंतु अद्भुत शक्ति है उसमें। फिर तो कुछ करने से पूर्व उस वानर के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे कि वो पुनः हमारे कार्य में बाधा ना उत्पन्न कर सके। और उसके लिए मुझे लंकेश रावण के पास जाना ही होगा। महाराज, मैंने रक्षा सूत्र धरती पर पड़ा पाया। तो ये स्पष्ट नहीं है कि रक्षा सूत्र तोड़ने का कृत्य किसने किया। सुमन जी। जी महाराज। इन आसुरी शक्तियों से सुरक्षा करने हेतु हमें सुरक्षा उपायों के ऊपर विचार करना होगा। जो आज्ञा महाराज। कुमार युद्धजीत, राजकुमार राम की सुरक्षा के लिए आपको और सजग रहना होगा। जी मंत्री जी, मैं पूर्णतया सजग रहूंगा। रामचंद्र के परम भगत की जनमन बोले जय श्री राम, कण कण बोले जय हनुमान। शेष अवतारी को नहीं सुहाए, हर की माया समझ ना आए। हर कोई चाहे राम की भक्ति, राम भगत में पावन मुक्ति।
मैं तो राम भैया के लिए जो कर सकता हूँ वो हनुमान भी नहीं कर सकते। अवसर मिलने पर मैं ये प्रमाणित भी कर दूंगा। हमसे दूर ले गए थे मेरे राम भैया को। केसरी नंदन हनुमान की जय। राम, हनुमान, तुम सब इधर आओ। प्रणाम माता कैकेयी। तुम सब चलो यहाँ से, भोजन का समय हो गया है। जो आ गया माता कैकेयी। महारानी कैकेयी भी ना जाने कहाँ से राम और हनुमान के लिए इनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा। मेरी बातों का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन पर। हनुमान, तुम्हें समझने में मैंने बहुत भूल कर दी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना पुत्र। माता कैकेयी, बड़े कभी छोटों से क्षमा नहीं मांगते, बड़ों को तो आशीर्वाद देना चाहिए। आप मेरी माँ के समान हैं और माँ तो अपने पुत्रों को जानने में भूल नहीं करती। तुम बिल्कुल राम जैसे ही हो। संकट मोचन, वैसे ही सरल हृदय और वैसे ही सौम्य। महाबली हनुमान, मैंने सुना है कि तुम्हें लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए मोती चूर के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, मोती चूर के लड्डू, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोती चूर के लड्डू तो लखन भैया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छे नहीं लगते लड्डू। लखन, माता कैकेयी ने मोतीचूर के लड्डू अपने हाथ से बनाए हैं, और प्रिय लखन के बिना राम कैसे खा सकते हैं लड्डू? और साथ में खाने का आनंद ही कुछ और होता है। जैसी आपकी आज्ञा राम भैया। दी है राम के कक्ष में सोने की नहीं, इसीलिए यही उचित होगा कि तुम अपने कक्ष में सो जाओ। हनुमान कहीं किसी को पता न दे कि मैं राम के कक्ष में थी। मैंने इन्हें रक्षा सूत्र तोड़ते तो नहीं देखा, किंतु ये कार्य मंत्रा काकी का हो भी सकता है। वानर, अवश्य ही तूने कोई माया की है महारानी कैकेयी पर। तू है भी तो बड़ा मायावी। हनुमान, तुम मेरे स्थान पर बैठ गए। राम भैया की दाहिनी ओर सदैव मैं ही बैठता हूँ। लखन भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। रुको हनुमान,
लखन, हनुमान हमारे अतिथि हैं और स्वयं से ज्यादा अतिथि को सम्मान देना चाहिए, यही अतिथि धर्म की मर्यादा है। अब जब हनुमान ने यह स्थान ग्रहण कर लिया है तो इन्हें यहाँ से उठाना अतिथि धर्म के विरोध है। मैं समझ गया हूँ राम भैया, अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ मंथन चल रहा है मंथरा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ युद्धजीत, कि उस वानर ने बताया क्यों नहीं कि मैंने ही उसे कक्ष से हटाया था। वानर मंद बुद्धि होते। अच्छा, उसकी बुद्धि नहीं चली और तुम बच गए। किंतु वो मंद बुद्धि वानर कब तक बचा पाएगा राम को पिशाचों से? प्रणाम राजकुमार युद्धजीत, कैकई राज से आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मेरे लिए भेजो उसे। जी राजकुमार। मैं लंका से आया हूँ दशानन लंकेश का संदेश लेकर। लंकेश दशानन ने आप दोनों को इसी समय लंका बुलाया है। लंकेश, रावण ने अवश्य ही हमें दंड देने के लिए बुलाया होगा। काकी, आप सबने भोजन कर लिया? जब पूरा राज परिवार भोजन करेंगे तभी हम भोजन करेंगे राजकुमार। क्या हुआ राजकुमार राम? आप सब बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। कह रहे हैं राजकुमार, हम कैसे? यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था। नहीं राजकुमार, आप तो हमारे होने वाले राजा हैं। राजा को शासक नहीं, सेवक होना चाहिए। राजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, प्रजा है तो राजा है, प्रजा के बिना राजा कुछ भी नहीं। प्रभु, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि प्रसन्न होकर जितना बड़ा पुरस्कार दे सकता है रावण, क्रोधित होकर उतना ही भयानक दंड भी दे सकता है रावण। मैंने तो हटा दिया था उस वानर को, किंतु ना जाने कैसे वो वापस पहुंच गया। लंकेश, हम पिशाचों के लिए वो संकट ही संकट था अयोध्या में। एक ओर यज्ञ धूम्र और उस ओर उन सब के हाथों में मंत्र पूरित रक्षा सूत्र बंधे थे, और उससे भी बड़ा रक्षक वो वानर था। कैसे सफल होते पिशाच? भोजन परोसेंगे राम भैया।
भैया, हम भी आपके साथ इन्हें भोजन परोसेंगे। संकोच मत कीजिए। इस प्रकार समझिए कि आपका पुत्र आपको भोजन करा रहा है। आप बैठिए ना। आप मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। राजकुमार, आपकी आज्ञा मानकर हम भोजन के लिए तो मान गए, किंतु आप हमें वहाँ बैठने के लिए मत कहिए। वो स्थान आपका है। कितना भी बलवान हो, उसमें कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। यदि उस दुर्बलता पर प्रहार किया जाए तो बलवान से बलवान को धराशाही किया जा सकता है, और इस वानर बालक की तो केवल एक ही दुर्बलता है, उसका राज्य और उसकी माँ। ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा है ये? राजकुमार अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं और तुम सब आनंद से भोजन ग्रहण कर रही हो। लज्जा नहीं आती? हाँ, लज्जा नहीं आती तुम सबको? तुम्हारे होने वाले राजा तुम सबकी सेवा कर रहे हैं, और ये सब तुम सबके कहने पे कर रहे हैं ना? राम तो भोले तुम्हारी बातों में आकर तुम सबकी सेवा करने लगा। दंड के भागी हो तुम सब। यदि सुमेरु पर संकट आ गया तो वानर बालक एक क्षण भी अयोध्या नहीं रुकेगा।
समझ गए ना पिशाचो, तुम्हें क्या करना है? समझ गया लंकेश, सुमेरु पर आक्रमण। उत्तम, अति उत्तम। एक और उस वानर बालक की माँ अंजना और एक और उसका मित्र, किसकी रक्षा करोगे वानर बालक, सुमेरु की या अयोध्या की? उत्तम, अति उत्तम।